Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Friends, as you know, we have already covered several video regarding the Hindu newspaper vocabulary and the Hindu newspaper editorial explanation. If you have not watched previous video, please visit all of that. Today we will talk about the considering consent. Consider means agreeing on the particular point or sahmati dena or consent. सामंजस्य बिठाना तो उस चीज़ को मानने के लिए आपको पता है कि यू माइट हैव सीन सेवरल न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर और इवन इन द टीवी दैट नीलगिरी हिल्स नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु देर इज़ ए टोडा ट्राइब दैट इज़ ए ट्राइबल ट्राइब एंड दिस ट्राइब पीपल आर प्रोसिक्यूटेड अंडर द पोस्को एक्ट ऑफ टू थाउजेंड ट्वेल्व द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड थ्रू फ्राम सेक्शुअल ऑफेंसेज दिस आर दिस दिस इज द फुलॉम ऑफ द पोस्को एक्ट एंड फ्रेंड्स लेट स्टार्ट विद द आर्टिकल द ला मस्ट स्टे इन ट्यून ला को सामंज से बैठाना चाहिए कंकरेंस में होना चाहिए एक उसमें ट्यून में विद द टाइम्स टाइम के साथ एंड कंसीडर ग्राउंड रियलिटी उसको ग्राउंड रियलिटी माननी चाहिए एज मे जज द लॉज ऑफ द कंट्री जो कानून है देश के एज मे जज द लॉज ऑफ ए कंट्री मस्ट अधेयर टू द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस जो न्याय का सिद्धांत है एंड फेयरनेस एक मतलब एक तरफा नहीं होना चाहिए अनबायस्ड नहीं अनबाइसड होना चाहिए बायस नहीं होना चाहिए एक तरफा किसी की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए दे आल्सो नीड टू स्टे इन ट्यून विद द टाइम्स उनको नीड टू स्टे इन ट्यून इन ट्यून का मतलब होता है सेम उसमें रिदम में होना चाहिए सेम ट्यूनिंग में होना चाहिए टाइम्स के अकॉर्डिंगली इट वॉज़ दिस प्रोविजो प्रोविजो क्या होता है कंडीशनैलिटीज़ इट वज़ दिस प्रोविजो दैट धारवाड बेंच ऑफ हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका यहाँ पे कर्नाटक हाई कोर्ट के बात हो रही है जहाँ पे धारवैड जंग जो हाई कोर्ट है इनवोड एज इट अर्ज द ला कमीशन ऑफ इंडिया एज इट अर्ज अर्जिंग मीन्स या इट इज रिक्वेस्टिंग या इट इज गिविंग सम अर्जेंसी इट एज इन इनवोक्ड होता है प्रोवोक करना इनवोक करना एक जगाना किसी चीज़ को फीलिंग को एज इट अर्ज द ला कमीशन ऑफ इंडिया ला कमीशन ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट की एक गुजारिश की टू हैव ए री टू हैव ए दोबारा से सोचने के लिए ऑन द क्राइटेरिया फॉर एज ऑफ कंसेंट जो एज ऑफ कंसेंट है मतलब अपनी सहमति जताने का एज एटीन ईयर्स है अकॉर्डिंग टू द पोस्को एक्ट इफ इफ द माइनर गर्ल्स एंड बॉयज आर इन्वॉल्विंग इन ए पर्टिकुलर सेक्सुअल एक्टिविटी दे आर कंसिडरिंग द क्रिमिनल फॉर दैट पर्टिकुलर चार्जिज इवन इन द केस ऑफ द गर्ल दैन गर्ल कैन बी गेट फ्री थ्रू दिस पोस्को एक्ट बट द बॉय इज़ द ओनली विक्टिम अकॉर्डिंग टू द पोस्को एक्ट इफ दे आर डूइंग सेक्शुअल एक्टिविटी बिफोर एटीन ईयर्स टेकिंग इन टू कंसिडर इन द ग्राउंड रियलिटी कंसिडरेशन में लेना है समझ के लेना है ग्राउंड रियलिटीज़ को जो वास्तविकता है द जजमेंट द जज इज सेट द दे आर देवर मोटिवेटिड टू मेक दिस रिकमेंडेशन जजिस सेड जजिस ने कहा देवर वो थे मोटिवेटेड देवर मोटिवेटेड देवर मोटिवेटेड motivated, वो मोटिवेटेड थे टू मेक दिस रिकमेंडेशन ऐसी रिकमेंडेशन देने के लिए हैविंग इनकाउंटर्ड सेवरल केसेज हैविंग इनकाउंटर दिस एक नई पर्टिकुलर फॉर्म होती है बोलने की हैविंग इनकाउंटर जैसे कैसे बोलते हैं आप मैं खाना खाने के बाद मैं वहाँ पर चला गया हैविंग माई डिनर आई वेंट फॉर वॉक मैं वॉक के लिए चला गया वही है हैविंग इनकाउंटर मतलब दिस जजेज आर कीप ऑन फ्रिक्वेंटली दे कीप ऑन इनकाउंटरिंग उनके सामने आते हैं सेवरल केसेज ऑफ रिलेटिंग टू दी माइनर गर्ल्स ओवर द एज ऑफ सिक्सटीन ईयर्स जो सोलह वर्ष से ऊपर हैं जो और अठारह से नीचे हैं माइनर गर्ल्स के बट द बिलो द एज ऑफ द एटीन ईयर्स हैविंग फॉलन इन लव हैविंग फॉलन सेम कंस्ट्रक्शन का यूज़ किया गया हैविंग फॉलन मतलब प्यार में पढ़ने के बाद एंड इलोप्ट विद द बॉय एलोप्ट होता है घर से भाग जाना इलोप्ट विद द बॉय एंड वॉन्डर्ड हाई द कंसेंट ऑफ ए गर्ल इन ए सेक्शुअल रिलेशनशिप इज नॉट फैक्टर्ड इन वंडर्ड मतलब दे आर सरप्राइज़ वाई द कंसेंट जो बच लड़की की सहमति है वाई द कंसेंट ऑफ ए गर्ल इन ए सेक्शुअल रिलेशनशिप इज़ नॉट फैक्टर्ड इन मतलब उसको फैक्टर नहीं किया जाता उसको काउंट नहीं किया जाता स्पेशली वन चार्जेज आर मेड आउट अंडर प्रोविजन ऑफ पोस्ट एक्ट जब चार्जेज लगाए जाते हैं अंडर पोस्ट एक्ट प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसिस एक्ट द एक्ट वाज इनेक्टेड होता है कि स्टार्ट करना लागू करना टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल अब्यूज़ जो अब्यूज़ सेक्शुअल अब्यूज़ से बचाने के लिए बच्चों के लिए पोस्को एक्ट आया था 2012 में इट रेज द एज ऑफ कंसेंट फॉर सेक्शुअल इंटरकोर्स फ्रॉम 16 टू 18 अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अर्लियर देर वाज़ ए प्रोविजन दट इफ ए गर्ल इज गिविंग कंसेंट द एज बेरियर वॉज सिक्सटीन ईयर्स But now they have shifted from 16 to 18 years according to the Postco Act 2012. In practice, the reality however, studies have noted that many cases booked under the Act in adolescent group means number of cases are filing under the this adolescent group means they are not minor or they are above than 16 or less than 18. हैव ए रोमांटिक इन्वोलमेंट मीन्स देवर दे की पोन एन्जॉइंग देअर लाइफ इन द रोमांटिक मैनर इन्वोलमेंट उनका एक दूसरे के साथ संलिप्त होना इंक्लूडिंग एलोपिंग विद जिसमें क्या इंक्लूड होता है एलोपिंग भाग जाना विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग मैरिड जो शादी करने के लिए भाग जाते हैं कंसेंसफुली सहमति से इन आलमोस्ट ऑल इंस्टेंसेज ज़्यादातर इंस्टेंसिस में पुलिस केसेज आर इनिशिएटेड बाई द पेरेंट्स ऑफ दि माइन एंड गर्ल हुज़ एलोप्ट विद द लवर जो अपने लवर के साथ भाग चुकी है उसके माता पिता केस लेके आते हैं वंस द सेक्शुअल एक्ट इज़ कन्फर्म द पोस्को एक्ट इज स्लैप्ड ऑन द बॉय स्लैप्ड ऑन इज ए फ्रेजल वर्ब और वी कैन यूज दैट इट इज़ पर्टिकुलरली इन इन्फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर बॉय मीन्स एम्फेसिस दिया जाता जा है जोर दिया जाता है उस पर थोपा जाता है स्लैप डॉन द बॉय जो एक्ट कन्फर्म हो गया तो पोस्को एक्ट क्या है स्लैप डन बॉय बॉय के ऊपर थोप दिया जाता है हु मे जो कि समटाइम्स बी ए माइनर जो लड़का भी माइनर हो सकता है और बेयरली ऑफ ए लीगल एज मुश्किल से बेयरली और मुश्किल से ऑफ लीगल एज फॉर मैरिज जो मेरिज के लिए जस्ट एटीन का हो चुका होगा एंड दें कंसिक्वेंस जो बैड रिजल्ट हैं ऑफ़ बींग प्रोसिक्यूटेड बींग प्रोसिक्यूटेड पैसिव फॉर्म में बात हुई है तो कंसिक्वेंसिज ऑफ बींग प्रोसिक्यूटेड फॉर प्रीवेंटिव पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असाल्ट एज लाइफ आल्ट्रिंग जो सेक्सुअल सेक्सुलसल्ट है अटैक किया गया है लाइफ अल्टरिंग मीन्स दिज आर द लाइफ चेंजिंग लाइफ चेंजिंग मोमेंट होते हैं अगर उसको प्रोसिक्यूशन मिल जाता है एट द एज ऑफ द एटीन और सिक्सटीन एज दे आर मैन टू बी और इसलिए वो बनाए गए हैं जो रूल हैं वाइल्ड द बॉयज फेसिस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन बच्चे जो लड़के हैं उनको एक अपराधी या दोषी ठहराया जाता है द गर्ल्स आर आल्सो सेंट टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लड़कियों को भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भेज दिया जाता है वैन दे प्रो प्रोटेस्ट पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग अप्रूवल ऑफ द लाइजन तो जब लड़कियाँ प्रोटेस्ट करती हैं अपने पेरेंट्स का डिसअप्रूवल का लाइजन का तो उनको भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भेज दिया जाता है अनाथालय में या महिला आश्रम में एक्टिविस्ट हैव चार्ज दैट एक्टिविस्ट ने चार्ज लगाया है जो प्रोटेस्ट करते हैं एक्टिविस्ट हैं कार्यकर्ता है समाज सुधारक हैं चार्ज दैट दिस हैज द पोटेंशियल टू रैक द लाइफ रैक होता है एबोलिश कर देना तोड़ देना लाइफ को द लाइव्स ऑफ द यंगस्टर इन्वॉल्व जो इन इनमें इन्वॉल्व होते हैं एन एंटायर फैमिली लाइज टू फैमिली टू जो पूरी फैमिली की आर फेल्ड बाई इनकाउंटर विद दिला जो इस चक्कर में ला के सामने आए हैं वो उनकी लाइफ स्पॉयल हो जाती है देर इज़ नो डाउट यस दिस इज़ ए ग्रूशम सिचुएशन वेन एवर ए पर्सन फैमिली फेसिस सच टाइप ऑफ इशू बिकॉज एट द टेंडर एज दैट वेयर द चिल्ड्रन हैव टू बिल्ड देयर कैरियर एंड इन दट पर्टिकुलर डायरेक्शन बट दिसट ऑफ दैट मेकिंग कैरियर द पर्सन और द बॉय इज इन्वॉल्व इन दिल दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज एंड ही हैज़ टू प्रोसिक्यूटेड बाई द लॉ देन इट इज अ वेरी ग्रूशम सिचुएशन फॉर द फैमिली नेक्स्ट चलते हैं देर इज ए नो डाउट नो डाउट द चिल्ड्रेन आर वल्रेबल चिल्ड्रेन क्या है वलनरेबल हैं उनको दे आर दीबल कमजोर हैं एंड मस्ट भी प्रोटेक्टेड फ्राम द फोर्स अटैम्प्टू सेक्शुअली असोल्ट तो उनको सेक्सुअली असोल्ट से बचाना चाहिए और ग्रूम दैम उनको ऐसे ग्रू करना चाहिए विद एन आई ओन एक्सप्लोइटेशन एंड आई ओन एक्सप्लेटेशन मतलब जो उनका सोशन हो सकता है एक्सप्लोइटेशन हो सकता है उन पर आकर नजर रखनी चाहिए हावएर द रियलिटीज ऑफ एडोलसेंट अट्रैक्शन एंड द असरटेंट ऑफ कंसेंट हावेवर हालांकि द रियलिटीज जो हैं एडोलसेंट की किशोर अवस्था की अट्रैक्शन अट्रैक्शन होता है एंड असरटेनमेंट ऑफ कंसेंट जो निश्चितता होती है सहमति देने की ईयर्स और अबाउ मस्ट भी कंसिडर इसको कंसिडर करना चाहिए पर्टिनेंट मतलब रिलेटेड टू दी इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन अगर मान लो प्रोसिक्यूशन की और इन्वेस्टिगेशन की बात आती है तब अब द हाई कोर्ट जज इज आल्सो आस्क इफ इट कुड बी इट कुड बी प्रिज्यूम दैट माइनर्स हैव ए नॉलेज ऑफ द अप्लीकेबल लॉ द हाई कोर्ट जजिस हाई कोर्ट के जजेज आलसोक्स ये पूछा इफ यदि इट कुड भी यह हो सकता है प्रिज्यूम्ड यह कुछ यह माना जा सकता है इट कुड भी प्रीज्यूम पहले से ही माना जा सकता है दैट माइनर्स हैव ए नॉलेज माइनर्स को नॉलेज है ओफ अपलीकेबल ला इन ला की इसलिए वो डिस्पाइट ऑफ नोइंग ऑल द फैक्ट्स दे आर गोइंग फॉर द इ्लीगल सेक्सुअल रिलेशनशिप इट मे बी रिमेंबर्ड इसको याद रखना चाहिए इट मे बी रिमेंबर्ड दैट जस्टिस जे एस वर्मा कमेटी ऑन अमेंडमेंट्स टू द क्रिमिनल लॉ आल्सो रिकमेंडेड दैट एज ऑफ कंसेंट बी रिड्यूस एट टू सिक्सटीन क्योंकि बहुत सारे केस जो हैं पेंडिंग हैं यू माइट हैवी यू माइट हैव नॉलेज अबाउट दी इन इंडियन जुडिशरी नियर अबाउट दी फोर करोड एंड थर्टी लैख केसेज आर पेंडिंग और नियर फिफ्टी लैख केसेज आर पेंडिंग एंड Among all the cases, several cases related to the or pertinent to the sexual assault and all things. That's why the J Justice J.S. Verma Committee recommended that particular fact that we have to reduce from 18 to 16 years of age for the con con consent of the girl. Necessary amendments be made in the post Usme amendment The law commission must now train it guns. Train it guns means weaponry all the. ला कमीशन वट इज दैविंग वेपनरी ला कमीशन आई लॉ कमीशन इज हैविंग ओनली द लीगल सिस्टम्स ऑन द एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट एंड एंश्योर पोस्को एक्ट पोक्शो एक्ट होना चाहिए इंश्योर करना है पुख्ता करना है स्टेज ट्रू टू इट्स ब्रूड इंटेंट जो इसका ब्रूड होलिस्टिकली जो अप्रोच है इसका उद्देश्य है द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन वी शुड कंसिडर द पोक्शो एक्ट प्रोविजन आल्सो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन I hope you have This is a very beautiful article and it can be beneficial for your GS paper one or two. That's why, like I have been covering such type of video on the daily basis, and definitely if you would follow such type of content, your way of speaking and your thinking would be broadened. Let's jump to the vocabulary words that will enhance your communication skills. The first vocabulary word is consent. Consent means giving. विलिंगनेस एग्रीमेंट और परमिशन द चाइल्ड्स पेरेंट्स हैड टू गिव दे आर कंसेंट टू द ऑपरेशन द चाइल्ड्स पेरेंट जो बच्चे के माता पिता थे हैड टू गिव हैड टू गिवी आर स्पीकिंग इन दास दिस इज हैव टू मीन्स दिस इट इज कंपलशन ऑन देअर पेरेंट्स हैव टू का पास हैड टू गिव दे आर कंसेंट टू देशन ऑपरेशन के लिए सहमति दी एलोप होता है भाग जाना विभाग के लिए चुपचाप भाग जाना To include something when you are doing a calculation. Oh, sorry, it's uh, not uh, the example of that elope. We can take example like a uh, she eloped with his with her lover. And the next word is factor in. Factor in to include something when you are doing calculation it means you are calculating that particular sum, then you have to factor in all the factors or in the specially judiciary judiciary take consideration of the all the factors. Slap. स्लैप मीन्स uh, किसी को अच्छे से चाटा मारना बट थप्पड़ मारना वी कैन यूज अनदर वे आल्सो दैट द केसिस वर स्लैप ऑन दर्टिकुलर बॉय असैटमेंटमेंट होता है कन्फर्म करना निश्चय करना द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट फॉर सर्टेन पर्टिनेंट होता है टू द टॉपिक बात करना टू आस्क ए पर्टिनेंट क्वेश्चन अवेंटमेंट मैंट करना सुधार करना संशोधन करना प्रोविजो होता है द कंडीशन दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड बिफोर एन एग्रीमेंट कैन बी मेड कोई समझौता ही एग्रीड टू विजिट विद द प्रोविजो दैट दे शुड स्टे नो लंगर देन ए वीक मतलब एक सप्ताह से ज़्यादा नहीं रहना उस एग्रीमेंट पे वो कंसिडरेशन उसने दिया विद द प्रोविजो प्रोविजो का मतलब होता है कंडीशन अल्टर होता है चेंज करना वी हैव अल्टर्ड आवर प्लान एंड विल नाउ अराइव एट सेवन पी एम इंस्टेड ऑफ एट पी एम रैक होता है तोड़ देना डाइवर्स सर्च द रैक मलबा मलबे के लिए सर्च किया जैसे बर्बाद कर देना वेंडलाज हेड रेक द स्कूल हॉल जो बदमाश थे उन्होंने स्कूल का हॉल तोड़ दिया था आई होप आपको कुछ हेल्प मिली होगी शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए थैंक्स ए लॉट